अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, जो हमारा पिछला लेक्चर था वो लास्ट लेक्चर था चैप्टर नंबर 7 का, दैट इज़ द ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म, वो डिस्कस किया। नेक्स्ट हमारा जो है वो चैप्टर नंबर 8 है, एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन्स। तो एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन को समझने के लिए सबसे पहले हम हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं और उसकी मुकम्मल क्लासिफिकेशन, और इस मुकम्मल क्लासिफिकेशन में वो पोर्शन किस से रिलेटेड है, ये इस लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स, हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड दैट, नाम से जाहिर है, दैट कंसिस्ट ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, और टेंथ में भी आपने ये पढ़ा है। तो हाइड्रोकार्बन आर दोज कंपाउंड कार्बन एंड हाइड्रोजन, एंड दैट कंपाउंड आर कॉल्ड हाइड्रोकार्बन, एंड हाइड्रोकार्बन इज अ मेजर क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो क्लासिफिकेशन ऑफ हाइड्रोकार्बन अगर हम देखें तो जनरली तौर पर दो किस्म के हाइड्रोकार्बन होते हैं, एक ओपन चेन हाइड्रोकार्बन और दूसरा जो है वो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। इस पूरे इमेज को हमने डिटेल करना है विद एग्जांपल्स। ये क्लासिफिकेशन है सारी हाइड्रोकार्बन की। तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन दैट इज नॉन साइक्लिक, मीन ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, और दूसरे जो साइक्लिक हाइड्रोकार्बन मीन क्लोज रिंग हाइड्रोकार्बन। तो इस ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम फर्दर दो क्लासेस में डिवाइड करते हैं। एक को हम कहते हैं सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन और दूसरे का नाम है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन आर कॉल्ड अल्केन इन विच कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज प्रेजेंट, एंड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन इन विच कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड अल्कीन, एंड व्हेन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट दैट इज कॉल्ड अल्काइन्स। तो स्टूडेंट्स, अगर हम ये देखें, ये मैंने इसको डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी ये जो पोर्शन है जो मैं ओपन चेन को एक्सप्लेन कर रहा हूं वो तीन क्लासेज हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन। अल्केन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट, अल्कीन डबल बॉन्ड कार्बन कार्बन, और अल्काइन में ट्रिपल बॉन्ड होता है, और इनको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन कहते हैं। यानी एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन मीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन, और इस ओपन चेन में ये सारा पोर्शन आ जाएगा, और यही चैप्टर नंबर 8 है, अल्कीन के बारे में, अल्कीन के बारे में एंड अल्काइन के बारे में। नेक्स्ट इसको डिटेल में भी करता हूँ। क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन रिंग कंपाउंड, कार्बन का रिंग हो, उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए हाइड्रोजन लगाया गया हो, तो उसको हम क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन का नाम देते हैं। एंड क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर 1 इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, एंड नंबर 2 इज कॉल्ड अरोमैटिक, मीन बेंजीन वाले हाइड्रोकार्बन, अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को हम नॉन अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, और ये अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन को फिर हम दो क्लासेज में डिवाइड करते हैं। एक होता है मोनोसाइक्लिक अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन और एक होता है पॉलीसाइक्लिक अरोमैटिक हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट्स, ये थी इसका ब्रीफ जो क्लासिफिकेशन। अब मैं ओपन चेन, यानी इसको अगर हम करें तो ओपन चेन हाइड्रोकार्बन नाम से जाहिर है, जिसको हम एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन भी कहते हैं, जिसमें जो हाइड्रोकार्बन है वो स्ट्रेट चेन में हो, ब्रांच में हो, रिंग स्ट्रक्चर में ना हो। कार्बन का पहला जो कार्बन है वो आखिरी से वो लिंक ना करे। जब पहला और आखिरी कार्बन लिंक कर जाएंगे, जैसे फर्ज करिए पहला कार्बन ये आखिरी है, तो जब ये बॉन्ड से लिंक कर जाएंगे तो उसके नतीजे में रिंग कंपाउंड आएगा, जिसको हम कहते हैं क्लोज चेन। लेकिन जब पहला और आखिरी आपस में यूनाइट नहीं होंगे, उससे ओपन स्ट्रक्चर्स आएंगे,
वो स्ट्रेट चेन भी हो सकते हैं, वो ब्रांच चेन भी हो सकते हैं, उसको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। ओपन चेन हाइड्रोकार्बन में स्टूडेंट्स, मैंने भी बताया कि अगर हम तीन, इसकी तीन हैं क्लासेस, ये तीन क्लासेस, अल्केन है, अल्कीन है एंड अल्काइन है। ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। इसका ब्रीफ डिस्क्रिप्शन पहले भी मैं चैप्टर नंबर 7 में भी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। तो अल्केन अगर है तो इसका सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन से लिंक है ये, और इस पे फार्मूला बे होता है CnH2n+2, और इसके पहले मेंबर का नाम है मिथेन, दूसरा इथेन, तीसरा प्रोपेन, इस तरह ब्यूटेन एन एंड पे आएगा फिक्स। तो अल्केन को स्टूडेंट्स हम पैराफिन भी कहते हैं, लेटिन वर्ड है जिसका मीन है लो रिएक्टिव सब्सटेंसेस। ये लो रिएक्टिव कंपाउंड होते हैं ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इन अल्केन सीरीज, वी कॉल दिस टाइप ऑफ सीरीज आर कॉल्ड पैराफिन, इनको हम पैराफिन भी कहते हैं। ये स्ट्रेट चेन भी होते हैं, ये ब्रांच चेन भी होते हैं। जैसे फर्ज करें ये आपने लिख लिया, ये स्ट्रेट हो गया, ये दैट इज नॉर्मल चेन है एन ब्यूटेन। ये तीन कार्बन लगा के दूसरे कार्बन पर ब्रांच लगा दें तो ये आइसो स्ट्रक्चर को इंडिकेट कर रहा है, जिस तरह मैंने आइसोमरिज्म में भी एक्सप्लेन किया था, दैट इज आइसो ब्यूटेन। ये पहला पॉइंट हमने डिस्कस किया है, दैट इज कॉल्ड अल्केन। नंबर टू पॉइंट इज अल्कीन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड प्रेजेंट, फार्मूला शो होता है CnH2n, और ये टू कार्बन से जो है वो स्टार्ट है, इथीन प्रोपीन ब्यूटीन आर दी एग्जाम्पल दैट इज बिलोंग टू अल्कीन सीरीज। तो इसमें इस अल्कीन को हम ओलिफिन्स भी कहते हैं, मीन ऑयल फार्मिंग कंपाउंड। ये और एटलीस्ट वन डबल बॉन्ड जो है वो इसमें प्रेजेंट होता है। जैसे फर्ज करें ये चार कार्बन लिख लिया, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, तो इसकी वैलेंसी को अगर हम एडजस्ट करें तो दिस इज टू ब्यूटीन एंड दिस टू ब्यूटीन इंडिकेट के टू और थ्री के जो दरमियान है वो डबल बॉन्ड है, और इसका डबल बॉन्ड का प्रेजेंस ये इंडिकेट कर रहा है कि दैट इज बिलोंग टू अल्कीन फैमिली। इस तरह पेंटीन हेक्सीन, इस तरह ये मुकम्मल तौर पे आगे सीरीज चलती है, और इन सीरीज को हम कहते हैं होमोलोगस सीरीज। तीसरा पॉइंट जो है दैट इज बिलोंग टू अल्काइन, अल्काइन फैमिली इन विच कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज प्रेजेंट, और इस पे फार्मूला ओबे होता है CnH2n-2, और दैट स्टार्ट फ्रॉम टू कार्बन, दैट इज इथाइन द फर्स्ट मेंबर, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड एसिटाइलीन, जिस तरह ब्यूटाइन है, पेंटाइन है। ये पांच कार्बन लगा दिए, कहीं पे भी आप जो है वो ट्रिपल बॉन्ड शो कर दें, और इसके बाद वैलेंसी को एडजस्ट करें, ये पूरी है, ये भी मुकम्मल है। ये प्रीवियस लेक्चर में मैंने आपको डिटेल किया हुआ, समझाया हुआ है किस तरीके से वैलेंसी को एडजस्ट करना है। तो टू और थ्री के जो बिटवीन है वो ट्रिपल बॉन्ड है, तो ये टू पेंटाइन। तो मीन यहाँ से लेकर यहाँ तक जो मैंने सारी एग्जाम्पल दी हैं वो है इस चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं जिसको हम कहते हैं ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। और ओपन चेन हाइड्रोकार्बन इज आल्सो कॉल्ड ए साइक्लिक हाइड्रोकार्बन, मीन नॉन साइक्लिक। एंड चैप्टर नंबर 8 बिलोंग टू एलिफैटिक हाइड्रोकार्बन, मीन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन। नेक्स्ट अगर हम इसकी क्लासिफिकेशन का दूसरा पोर्शन देखें तो दैट इज क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन मैंने पहले भी बताया, दैट इज कॉल्ड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन। एंड साइक्लिक हाइड्रोकार्बन आर फर्दर क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, नंबर वन इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन एंड नंबर टू इज कॉल्ड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन। तो एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को अगर हम एक्सप्लेन करें तो इसका दूसरा नाम मैंने अभी बताया था, दैट इज कॉल्ड नॉन अरोमेटिक एंड नॉन बेंजीनाइड कंपाउंड, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन होंगे वो रिंग कंपाउंड, लेकिन उनका लिंक बेंजीन से नहीं होगा,
वो बेंजीन को फॉलो नहीं करेंगे, और उनको अगर फर्ज करें कि ये चार कार्बन और इनके दरमियान में सिंगल बॉन्ड है, तो इसकी वैलेंसी को अगर हम एडजस्ट करें ये, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, तो ये छह कार्बन भी नहीं है, बेंजीन से रिलेटेड भी नहीं है, तो इस वजह से ये एलिसाइक्लिक में आएंगे। और अगर कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड और बेंजीन भी ना हो, वी कॉल दिस टाइप साइक्लोअल्केन, इनको हम साइक्लोअल्केन का नाम देते हैं। एंड फॉलो अ फार्मूला CnH2n, ये जैसे ये देख लें, एक दो तीन चार, चार कार्बन है, हाइड्रोजन चार दो छः, ये फार्मूला भी हो रहा है। तो इसका जो नेम है वो है साइक्लोब्यूटेन, बिकॉज दिस इज बिलोंग टू साइक्लोल्केन। क्यों? क्योंकि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट। और अगर हम पांच कार्बन इस तरह लिख लेते हैं ऐसे, और इसमें भी आप चेक करें कि एक दो तीन चार पाँच, और सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, और इसकी वैलेंसी को अगर एडजस्ट करें तो सब के साथ दो दो हाइड्रोजन आएंगे। ये देखें, एक दो, ये दो चार हो गए, ये भी दो हाइड्रोजन। तो इस पे भी यही फार्मूला वे हो रहा है, क्योंकि ये C5H10 आ रहा है, और दैट इज कॉल्ड अकॉर्डिंग टू दिस साइक्लोल्केन, दैट इज दिस साइक्लोपेंटेन, इसको हम साइक्लोपेंटेन का नाम देते हैं। इसी तरह इसका एब्रीविएशन लिखना हो इन सारे का, यानी इसका भी आप आसानी से लिख सकते हैं ऐसे, और इसका लिख सकते हैं ऐसे, और अगर आप ये ऐसे बना लेते हैं तो इसका नाम है साइक्लोहेक्सेन, यानी हर कॉर्नर में यहाँ पे क्या है, CH2 है, तो ये साइक्लोहेक्सेन बन जाएगा। एंड दीज आर ऑल दी द साइक्लोल्केन। एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन सिर्फ साइक्लोल्केन नहीं होते, ये मैं डिटेल कर रहा हूँ इसको, दैट इज ऑल्सो बिलोंग टू साइक्लोअल्कीन। जैसे यहाँ पे इस बॉक्स में देखें, ये इजाफी है साइक्लोअल्कीन। कैसे? फर्ज करें आपने ये चार कार्बन लिख लिए, अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये साइक्लोअल्केन है। अगर आप इस तरह करें कि एक डबल बॉन्ड यहाँ पर लगा दें, तो ये डबल बॉन्ड इंडिकेट कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है वो अल्कीन है, तो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है, तो हम इसको कहते हैं साइक्लोअल्कीन। जिस तरह ये देखें, यहाँ दो वैलेंसी पूरी, दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ दो है, दो हाइड्रोजन आ गए, यहाँ तीन एडजस्ट हो चुकी वैलेंसी और एक हाइड्रोजन आएगा, और यहाँ भी एक हाइड्रोजन, तो इसका नाम है साइक्लोब्यूटीन। तो इससे पता चला कि जो साइक्लो एलिसाइक्लिक कंपाउंड है, दैट इज नॉट ओनली रिलेटेड विद साइक्लोअल्केन, दैट इज ऑल्सो कंसर्न्ड विद साइक्लोअल्कीन। तो ये हमारा यहाँ ये एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन को मैंने एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो दैट इज़ कॉल्ड अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आपका मुकम्मल चैप्टर, चैप्टर नंबर 9, अरोमेटिसिटी बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव इज कॉल्ड बेंजीन डेरिवेटिव इज कॉल्ड अरोमेटिक। जैसे ये बेंजीन का स्ट्रक्चर, ये क्योंकि तीन डबल बॉन्ड होते हैं और एक एक हाइड्रोजन आ जाएगा, ये, और इसको आप कंबाइन करें तो ये है फार्मूला, क्योंकि बेंजीन और अरोमेटिक से रिलेटेड जो फार्मूला लगता है वो CnHn। और इसको शॉर्ट लिखना है तो ये बेंजीन। तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच इट्स बेंजीन एंड इट्स डेरिवेटिव को हम डिटेल करते हैं। तो अरोमेटिक हाइड्रोकार्बन बेंजीन से रिलेटेड हैं। फ़र्ज़ करें ये बेंजीन लिख लिया आपने, तो बेंजीन के ऊपर आप एक कोई रेडिकल लगा दें तो वो उसका डेरिवेटिव आ जाएगा, जिस तरह क्लोरोबेंजीन है। इसी तरह बेंजीन के ऊपर आप अगर NO2 लगा देते हो तो वो नाइट्रोबेंजीन है। इस तरह बेंजीन के ऊपर आप OH लगा देते हो तो वो फिनोल बन जाएगा। तो ये था स्टूडेंट्स, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन साइक्लिक कंपाउंड, जल्दी तौर पे डेफिनेशन डिफाइन किया इसको।
और फिर इसकी क्लासिफिकेशन एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन, वो मैंने ये सारा एक्सप्लेन किया है, दैट इज बिलोंग टू साइक्लोअल्केन, साइक्लोअल्कीन। उसके बाद एरोमेटिक को जस्ट डिफाइन और उसको एग्जांपल दी है, लेकिन इसकी आगे अभी डिवीजन करनी है हमने। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन मीन बेंजीन और उसके डेरिवेटिव। और अगर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को डिटेल करें तो यहाँ इसमें डिफरेंशिएट भी आ सकता है कि मोनोसाइक्लिक और पॉलीसाइक्लिक कौन से होते हैं, उनमें डिफरेंस क्या है, चैप्टर नंबर 9 में हम स्टार्ट लेंगे इसका। लेकिन यहाँ भी इसकी डेफिनेशन और एग्जांपल मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ, आप मतवज्जे हों। मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन नाम से जाहिर है कि अगर हम इसको एक्सप्लेन करें, डिफाइन करें, तो मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच ओनली वन बेंजीन रिंग इज इन्वॉल्व। यानी बेंजीन रिंग एक हो, रेडिकल एक भी हो सकता है, दो भी हो सकते हैं, तीन भी हो सकते हैं उसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। जिस तरह ये देखें, ये नाइट्रो बेंजीन, ये टॉलीन, ये सी एच थ्री दो लगा दें, डाइमिथाइल बेंजीन, और इसको हम जीलीन भी कहते हैं। ये तो ये मोनोसाइक्लिक ही है, बेंजीन का ये रिंग है, रेडिकल दो आ गए, तीन आ गए, एक आ गया, ठीक है। और दूसरा इसमें जो हम पॉलीसाइक्लिक, लास्ट पॉइंट, पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच मोर देन वन बेंजीन रिंग आर इन्वॉल्व, एक से ज्यादा बेंजीन के रिंग होंगे, यानी एक रिंग नहीं होगा। अगर एक रिंग होगा तो ये आपके सामने एग्जांपल्स हैं कि उसको हम मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, लेकिन बेंजीन के अगर एक से ज्यादा रिंग इन्वॉल्व हैं और एक वो कंपाउंड बना रहे हैं, जैसे ये देखें कि बेंजीन के दो रिंग फर्ज करें आपस में ऐसे फ्यूज कर गए हैं ऐसे, तो वो नेफ्थालीन बन गया। वो बॉन्ड से भी जोड़ सकते हैं, वो डायरेक्ट भी फ्यूज हो सकते हैं, ये एंथ्रासीन, ये। तो पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच मोर देन वन बेंजीन रिंग आर इन्वॉल्व। जैसे फर्ज करें कि आपके पास ये एक बेंजीन रिंग है और ये सी एच टू रेडिकल से जुड़ा है, ये ऐसे, और ये एक बेंजीन रिंग और आ गया है, तो डाईफिनाइल मिथेन इसका नाम है। तो ये भी इंडिकेटर, ये पूरा एक कंपाउंड है, ये अलहदा नहीं है, ये भी पूरा एक कंपाउंड है, ये भी पूरा एक कंपाउंड है। तो ये इस पूरे कंपाउंड में आप चेक करें कि दो बेंजीन के रिंग जो है ना वो इन्वॉल्व है, तो दैट इज कॉल्ड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर दोज हाइड्रोकार्बन इन विच मोर देन वन बेंजीन रिंग आर इन्वॉल्व। ये था हमारा क्लासिफिकेशन ओपन चेन हाइड्रोकार्बन की और क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन। तो स्टूडेंट, इसमें हमने ये देखे कि हमने इसका इंट्रोडक्शन चैप्टर स्टार्ट किया, हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, क्लासिफिकेशन, ओपन चेन, क्लोज, ओपन चेन की जितनी डिटेल की, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, डेफिनेशन के साथ, एग्जांपल के साथ, और उसके बाद क्लोज चेन हाइड्रोकार्बन जो मैंने अभी ये सामने लिखा भी हुआ है, एलिसाइक्लिक हाइड्रोकार्बन और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, और एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एलिसाइक्लिक को एक्सप्लेन किया सारा, और एरोमेटिक को एक्सप्लेन करने के बाद उसकी दोनों टाइप्स, मोनोसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन एंड पॉलीसाइक्लिक एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन को एक्सप्लेन किया। तो इसको, इस आर्टिकल को अच्छे अंदाज से रीड करके, अच्छे तरीके से याद करके, इसकी प्रैक्टिस करें लिख के, क्योंकि ये सारा स्ट्रक्चर व्यू के लिहाज से है। जब तक आप हर डिटेल के साथ उसकी एग्जांपल नहीं देंगे तो ये आर्टिकल कवर नहीं होगा। इसको अच्छे अंदाज से करें। बेस्ट ऑफ लक, अल्लाह हाफिज़।